নমস্কার, আর বয়েজ নিউজ নিয়ে আমি মোমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। 2020 সালে বিহার বিধানসভায় টক্কর লড়াইয়ের পর এবার লক্ষ্য বাংলা। 2021-এ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে 200 আসনে প্রার্থী দিতে চলেছে ভারত জাগো জনতা পার্টি। তার পাশাপাশি মালদা জেলার 12 আসনে প্রার্থী দিবে বিজেপি। মঙ্গলবার মালদা শহরের রদবাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি হোটেলের কনফারেন্স রুমে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানালেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিষ্ণু সিং। এদিন তিনি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যবেক্ষক শাহনাজ খান, পুষ্পা সাহা, কালী সিনহা, হযরত আলী সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারত জাগো জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি বিষ্ণু সিং জানান, ক্ষমতায় আসার সময় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বিদেশ থেকে কালো ধন ফিরিয়ে এনে প্রত্যেক জনগণের অ্যাকাউন্টে টাকা দিবেন, কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ঠকবাজ, জুলুমবাজ সরকারে পরিণত হয়েছে। आगामी बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भारत जागो जनता पार्टी चुनाव लड़ेगा, और वहाँ चुनाव लड़ेगा जहाँ बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगा वहीं पर हम भी उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि बीजेपी का सरकार जो है जुमलेबाज की सरकार है। अभी तक देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया देश के लोगों के साथ, चाहे कोरोना का हो, चाहे नोटबंदी का हो, या किसान का जो अभी अन्नदाता बहुत 70 के संख्या में शहादत को प्राप्त हो गया और उनको न्याय नहीं मिला MSP नए कानून को लेकर के, उस पर भी भारतीय जागो जनता पार्टी अपना आने वाले समय में आंदोलन करेगा। और बंगाल का कन्वेनर, बंगाल में नया ऊर्जा लाने के लिए संगठन को, उसको देखते हुए मैंने मोहम्मद सज्जाद हुसैन जो बंगाल के मालदा जिला के रहने वाले हैं, हमने आज मालदा में आकर के इनको यहाँ का जिम्मेवारी पूरे बंगाल का दिया कि अब पार्टी को और बूथ स्तर तक जो संगठन बाकी रह गया है उसको मजबूत कीजिए और पार्टी 130 से लेकर के हो सकता है कि 200 सीटों पर चुनाव लड़े। वेस्ट बंगाल में आपका संगठन कैसा है? मजबूत संगठन है, इसी तो लिए हम बंगाल आए हैं। सुभाष चंद्र बोस का धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है और बंगाल वीरों की धरती है। লকডাউনে দীর্ঘ কয়েক মাস ঘরবন্দী ছিল মানুষ, রোজি রোজকার অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। এরই প্রতিবাদে আগামীতে তাদের আন্দোলন, গোটা রাজ্যে তাদের সংগঠন মজবুত। এবার তাদের টার্গেট বাংলা। ইতিমধ্যে বাংলায় 200 আসনে প্রার্থী দিবে তারা। মালদার 12 বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হবে। কৃষকদের পাশে থেকে কৃষি আইন বিরোধিতায় খুব তাড়াতাড়ি মালদা থেকে বড় সড় আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকিও দেন তিনি। 1947 में विलय किया तब जाकर के अखंड और समृद्ध भारत का ये सपना साकार हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों के गोलियों और खूनों से सन करके ये भारत का निर्माण हुआ है, और ये जात पात और धर्म का कार्ड खेल करके कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो उसका निरंतर भारतीय जागो जनता पार्टी विरोध करेगा और लोगों के न्याय, हक, हकूक, अधिकार के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। वेस्ट बंगाल के आपका जो इशू का क्या होगा? इशू होगा रोजी रोजगार, किसान, स्वतंत्रता, लोगों को न्याय, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि। ये जो सोनर बांग्ला, सोनर माटी का जो बात देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं, अभी तो 2014 से लेकर के देश को कहाँ ले गए कि देश का जितना भी रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, BSNL हो, सब निजीकरण हो रहा। आपका नाम? भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह। सांबादिक बापी सिंह, रिपोर्ट मालदा।